Hello everyone, this is our video on subject MD2 on the topic design of helical gear. So आप लोगों को मालूम होगा कि helical gear gears है, important part है और for movement study 15 से 20 mark का numerical आता है from this topic. Spur gear का भी video हम लोगों ने डाला है जो इसके पहले upload हो चुका होगा. So एक बार helical gear से पहले आप वो video देख लीजिए तो आपको एक idea आ जाएगा gears के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द हेलिकल गियर. सो क्वेश्चन में हम लोग को एक आइडिया रहता है जो कि रिडक्शन रेशियो होता है, दैट इज आई इजिकल टू N1/N2. ओके, सो विद द गिवन आई जो कि गिवन है उसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन Z1 and Z2. सो दिस इज स्टेप वन. ठीक है, स्टेप वन है कैलकुलेट करना हम लोग को Z1 और Z2. तो वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन इक्विवेलेंट स्पर गियर, तो ZB1 दिस इज वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ. सो ये फॉर्मूला हम लोग को, ये PhD में नहीं है, ये हम लोग को कुछ से लिखना है. ZB1 उसका फॉर्मूला है 2F0/sin²α. ओके, सो sin²α इज 20 degree. ओके, और F0 हम लोग का F0 होता है 1 फॉर इनवॉल्यूट प्रोफाइल एंड 0.8 फॉर स्टब टूथ, जो कि हम लोग PhD में देखेंगे तो हमें मिल जाएगा. ओके, सो ये मोस्टली तो 1 रहता है, बट अगर स्टब टूथ तो 0.8 लेना है. ठीक है, तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हम लोग को ZB1 मिल जाएगा. आफ्टर दैट एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन हेलिकल पिनियन Z1. सो वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ से हम लोग Z1 निकालते हैं जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ है ऑन हेलिकल पिनियन. सो फॉर्मूला है ZB1 = Z1/cos²β. बीटा ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा. ओके, सो बीटा का वैल्यू मोस्टली 17 दिया जाता है. सो बीटा का वैल्यू हमने लेना है, बीटा का वैल्यू पुट करना है. ध्यान देना कि यहाँ पे cos² है. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल cos² डालना भूल जाते हैं, सो वहाँ पे अटकते हैं. ये फॉर्मूला हमें PhD 8.1 में दिया गया है. यहाँ से हम लोग को ZB1 मिलेगा, जो कि अगर हम लोग को अप्रॉक्स लेना है, अप्रॉक्स एज इन अगर कुछ लाइक 54.13 आया तो हम लोग को नियरली 55 ले लेना है. ऐड कर देना, एक परफेक्ट इंटीजर में रखना है क्योंकि नंबर ऑफ टीथ कैन नॉट बी इन यूनिट्स, इन डेसिमल्स. ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, रिडक्शन रेशियो निकालेंगे आई. सो आई कहाँ, आई हम लोग को N1/N2, जब हम लोग को एक क्वेश्चन में दिया रहेगा N1 और N2 दिया रहेगा तो हम लोग को वहाँ से आई निकालना है. सो रिडक्शन रेशियो निकालने के बाद में हम आगे की तरफ जाएंगे. एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन हेलिकल गियर, सो एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन हेलिकल गियर दैट इज Z2. ठीक है, सो ध्यान देना Z2 निकालना हमें. यहाँ पे आई हम लोग के पास है, Z1 है हम लोग के पास, तो Z2 = I × Z1. सो वो जब हम लोग कैल्शियम में डालेंगे तो हम लोग को Z2 मिल जाएगा. उसके बाद में हमने Z2 से हम लोग को वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन इक्विवेलेंट स्पर गियर, तो स्पर गियर के ऊपर का हम लोग को ये निकालना है. क्या निकालना है, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ. तो ZB2, सो ZB2 का फॉर्मूला है Z2/cos³β, जो कि PhD 8.1 में दिया है. सो वहाँ से लिखना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे क्यूब है और ऊपर स्क्वायर था. ओके, सो ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ पे आपको क्यूब यूज़ करना है. तो Z2 हम लोग को वहाँ ऊपर से मिलेगा और बीटा हम लोग को दिया गया है जो भी रहेगा, सो उससे हम लोग को ZB2 मिल जाएगा, दैट इज़ वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ. उसके बाद में हम लोग जो हम लोग को Z1 मिला है, ZB1 मिला है और ZB2 मिला है. ओके, तो हम उन दोनों का ये निकालते हैं, सॉरी Z1 और Z2 से हम लोग रिकैलकुलेट करते हैं I. सो हम लोग को I मिलेगा Z2 और Z1 से जो I मिलेगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला में. सो I का वैल्यू कैन आइडर बी अ होल नंबर और इट कैन बी एन इंटीजर. ओके, सो अगर इंटीजर है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आई का वैल्यू इज एन होल नंबर,
के अगर आई का वैल्यू एक होल नंबर है, होल नंबर मतलब एक प्रॉपर नंबर है लाइक 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हंटिंग करना पड़ेगा। अगर ये आया तो हमें हंटिंग करना पड़ेगा। और हंटिंग, सो हंटिंग क्या होता है, हंटिंग इज बेसिकली एडिंग 1 to Z2, तो हम लोग Z2 + 1 कर देते हैं, तो इसको हम हंटिंग बोलते हैं। हम हंटिंग में Z2 का वैल्यू एक टीट से बढ़ा देते हैं, मतलब नंबर ऑफ टीट विल बी इंक्रीज बाय 1। सो उसके बाद में जब भी हम लोग आई वापस रिकैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आई विल नॉट बी अ परफेक्ट इंटीजर, तो हम लोग को फिर हंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वापस, ठीक है। उसके बाद सो द नेक्स्ट स्टेप इज, दैट इज स्टेप 2, दैट इज सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे हमें मटेरियल सिलेक्ट करना है जो कि हम लोग रेफरेंस के लिए ले सकते हैं PSG 8.4 और 8.5। सो एक मेन चीज़ है हम लोग का जो आई का वैल्यू है, सो आई के वैल्यू से हम सिलेक्शन करते हैं ऑफ मटेरियल। अगर आई इज़ ग्रेटर देन 4 और अगर आई इज़ ग्रेटर देन 4 है और एलॉय स्टील दिया गया है, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लेते हैं 40 Ni 2 Cr 1 MO 28 और 15 Ni 2 Cr 1 MO 15। इसका वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगा हम लोगों को PSG 8.4 एंड 8.5 से हम ये कर सकते हैं, ये ले सकते हैं मटेरियल सिलेक्शन। करस्पॉन्डिंग सिग्मा बी और सिग्मा सी का वैल्यू हम लोगों को मिला रहेगा 8.5 से हम लोग को करस्पॉन्डिंग सिग्मा बी और सिग्मा सी का वैल्यू मिल जाएगा। इफ़ क्वेश्चन में हम लोग को मटेरियल दिया गया है और अगर हम लोग को आई ग्रेटर देन 4 आता है, मतलब ग्रेटर देन 5 आता है या फिर लेस देन 5 आता है, और या फिर कोई हाई मटेरियल हम लोग को दिया गया क्वेश्चन में कि हाई मटेरियल सेलेक्ट कीजिए, तो तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे PSG 1 हम लोग ये मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। मोस्टली हम सेलेक्ट करते हैं C50 एंड C30। ओके, सो C50 एंड C30 के बारे में हम लोग को मिल जाएगा 1.9 से, दैट इज़ PSG 1.9। ओके, सो जब भी हम लोग को वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे हमें मटेरियल दिखेगा C50 C30। सो वहाँ पे हम लोग को करस्पॉन्डिंग सिग्मा वाई सिग्मा यू और BH दैट इज हार्डनेस मिलेगा वहाँ से PSG के थ्रू 1.9 से। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, टेबल बनाएंगे एट इसके जैसा और वहाँ पे हार्डनेस लिखेंगे उसका। फिर हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, देखिए सिग्मा वाई सिग्मा यू है, हम लोग को चाहिए सिग्मा बी और सिग्मा सी, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा सिग्मा बी और सिग्मा सी। तो सिग्मा बी और सिग्मा सी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम दिखाते हैं यहाँ पे। सो सिग्मा बी का फॉर्मूला 1.4 × KBL / (n×K σ) × σ-1। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये तो कांस्टेंट है, एन हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, हमेशा 2 लेते हैं, के सिग्मा भी 1.5 होगा, ठीक है, एंड के बी एल विल बी 1। सो ये 1 है, ये 2 है, ये 1.5, सो जो वैल्यू चेंज होगा वो ये वाला होगा σ-1। सो σ-1 का फॉर्मूला है जो कि PSG 8.19 में दिया गया है, जो है 0.28 σ U + σ Y + 500। तो सिग्मा यू और सिग्मा वाई का वैल्यू हम लोग ऊपर से लेंगे, सिग्मा यू एंड सिग्मा वाई का वैल्यू ऊपर से लेने के बाद में हम लोग को जब हम लोग टोटली सब पुट करेंगे तो हम लोग को सिग्मा बी मिल जाएगा। ये पूरे इक्वेशन में जब हम लोग सिग्मा बी डालेंगे तो सब वैल्यू डालेंगे तो हम लोग को सिग्मा बी मिल जाएगा, दैट विल द वैल्यू विल बी इन kgf/cm². उसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस। सो कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस का फॉर्मूला है जो कि PSG 1.86 में आप ले सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो σb = cb × hb × kcl। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और hb का वैल्यू हम लोग टेबल में से देख सकते हैं। ओके, जो टेबल में हम लोग ने निकाला रहेगा हार्डनेस, वो हार्डनेस का वैल्यू डालना है और हम लोग को फिर σc मिल जाएगा, σb मिल जाएगा। द यूनिट पे ध्यान देना कि यूनिट लिखना प्रॉपरली kg/cm², kgf/cm². उसके बाद में स्टेप थ्री है हम लोग का डिसाइडिंग वीकर एलिमेंट। सो स्टेप थ्री के लिए हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं PSG 8.50, ठीक है। सो लेविस फॉर्म फैक्टर,
हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि डिसाइडिंग वीकर एलिमेंट, स्टेप थ्री इज बेसिकली डिसाइडिंग द वीकर एलिमेंट फ्रॉम पीएसजी 8.50 लेविस फॉर्म फैक्टर। सो ये फॉर्मूला हम लोग को पीएसजी 8.50 में मिल जाएगा। ये फॉर्मूला अभी तक से जो स्टेप्स थे खाली ये छोड़ के सेम है, पर ईयर में भी सेम था, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए पीएसजी 8.50 में हम लोग देखेंगे फॉर लेविस फॉर्म फैक्टर, फॉर्मूला इज वाई वी वन इज इक्वल टू पाई 0.154 माइनस 0.912 अपॉन जेड वी वन और जेड वी टू। ये दोनों भी फॉर्मूला हम लोग को पी एस जी में मिल जाएगा, खाली हम लोग को वैल्यूज पुट करना है थ्रू विद द हेल्प ऑफ पी एस जी और विद द हेल्प ऑफ ऊपर का जो भी डेटा दिया रहेगा, और फॉर्मूला तो हम लोग को पी एस जी से मिल जाएगा। सो उसके बाद स्ट्रेंथ फैक्टर फॉर पिनियन वो हम लोग निकालते हैं। फॉर्मूला है सिग्मा बी वन इंटू वाई बी वन, ये हम लोग को पी एस जी में नहीं मिलेगा। सो ये फॉर्मूला याद रखना है स्ट्रेंथ फैक्टर के लिए। सो सिग्मा बी वन इंटू वाई बी वन, वाई बी वन हम लोग ने जस्ट निकाला और सिग्मा बी वन भी हम लोग ने कैलकुलेट किया है इसके पहले, और ये भी। सो जब हम लोग कैल्शियम में डालेंगे तो हम लोग यहाँ का वैल्यू यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा। सो बेसिकली हम लोग ये निकाल रहे हैं कि हम लोग को कंपेयर करना है। सो ध्यान देना है कि आपका जो पिनियन शुड बी वीकर देन द व्हील, ओके। सो दैट मस्ट बी द केस, ऑलवेज व्हील मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, राइट। उसके बाद में हम जाते हैं स्टेप फोर की तरफ, कैलकुलेशन ऑफ मॉड्यूल एम। तो यहाँ पे हम लोग को मॉड्यूल निकालना है। सो यहाँ के लिए हम लोग रेफरेंस लेंगे पीएसजी 8.13A का। सो वहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि है मॉड्यूल का MN। सो 1.15 बीटा क्वेश्चन में दिया है। हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है MT सिग्मा वाई वी वन सिग्मा बी वन वाई एम एंड जेड। सो ये 15 है, जेड हम लोग ने निकाला है, वाई वी वन निकाला है। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा MT निकालना पड़ेगा। तो MT कैसे निकालेंगे मैं आगे बता रहा हूँ। सिग्मा बी वन भी हम लोग ने निकाला है, ओके। सो द ओनली फैक्टर विच इज़ अननोन हियर इज MT। सो MT निकालने के लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि पावर क्या दिया है क्वेश्चन में। जो भी पावर दिया है उसको हम लोग सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.2 दैट इज सेफ्टी फैक्टर 1.2। तो पावर को 1.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो पावर मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो हम लोग फिर आगे ये पावर आगे लेके कंसिडर करेंगे। देन नॉमिनल टॉर्शनल मोमेंट MT इज गिवन फ्रॉम पीएसजी 8.15 79,742 इंटू किलो वैट अपॉन N1। सो ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, खाली हम लोग को ओके ये वाला जो वैल्यू हम लोग को ये वाला लेना है, क्वेश्चन वाला वैल्यू नहीं लेना है। जो भी हम लोग को वैल्यू यहाँ से मिलेगा वो यहाँ पे पुट करना है, N1 क्वेश्चन में जो दिया वो लेना है। तो वहाँ से हम लोग को MT का वैल्यू मिल जाएगा। सो जब हम लोग MT का वैल्यू डाल ओके उसके बाद में और एक स्टेप है, डिजाइन टॉर्सनल मोमेंट MT। सो हम लोग डायरेक्ट ये MT नहीं यूज़ करते, हम लोग इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि है KDK। ओके सो KDK का वैल्यू डिफर करता है 1.3 फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम एंड 1.5 फॉर अनसिमेट्रिकल सिस्टम और फॉर टू स्टेज गियर बॉक्स। जब हम लोगों को क्वेश्चन में अगर ये मेंशन किया है स्पेसिफिकली, सो हम लोग KDK का वैल्यू 1.5 लेंगे। ध्यान देना क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, गो थरो विद द क्वेश्चन और जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मार्क कर लो ताकि फिर हम लोग को बाद में फिर इशू ना हो कि आंसर में डिफर। सो हम लोग MT निकाल लेंगे, MT जो ऊपर का वैल्यू डालेंगे और जो भी फैक्टर उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को प्रॉपर मिल जाएगा कितना KGF सेंटीमीटर। ओके सो उसके बाद में जो भी हम लोग को तो MT का वैल्यू हम लोग को कहाँ डालना है, MT का वैल्यू हम लोग को ये फॉर्मूला में डालना है। अब हम लोग को MT भी नोन हो गया, राइट। तो सिर्फ पूरा वैल्यू डालना है हम लोग को कैल्सी में और हम लोग को फिर MN मिल जाएगा उससे। ओके सो MN विल बी इन सेंटीमीटर। ओके बट ध्यान रखना कि हम लोग को MN का वैल्यू इंक्रीज करना है 20% से। MN का वैल्यू शुड बी इंक्रीज बाय 20% जो कि यहाँ पे लिखा है, फॉर कंपनसेट फॉर रेडियल लोड। मोस्टली हम लोग रेडियल लोड निग्लेक्ट करते हैं, सो उसको वापस कंसिडर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको 20% से इंक्रीज करते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू विथ 1.2। सो जो हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा वो हम लोग टेबल में लिख लेंगे। ओके
सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल. सो जब हम लोग उसको 1.2 से इंक्रीज मल्टीप्लाई करके हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं तो हम लोग जाते हैं स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स के लिए. सो वो हम लोग को मिल जाएगा रेफरेंस 8.2 PSG. ठीक है. सो लाइक अगर हम लोग को कुछ तो 3.59 कुछ मिला है तो हम लोग उसको देखेंगे नियर बाय वैल्यू कितना है. सो 3.59 का नियर बाय वैल्यू इज 4. सो जो भी हम लोग को मिला रहेगा उसको कन्वर्ट कर लेंगे MM एंड सेंटीमीटर. ओके. आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 5, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस. सो हम जो प्रॉपर जो हम लोग को इम्पोर्टेंट डायमेंशन जो लगते हैं गियर के लिए वो हम लोग निकालेंगे इसके बाद, जो कि है ट्रांसवर्स मॉड्यूल MT. ठीक है. सो MT इज गिवन बाय MT के लिए हम लोग कॉस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. कॉस बीटा इज इक्वल टू MN अपॉन MT. ये हम लोग को रेफरेंस है 8.22 PSG. सो 8.22 से हम लोग ये फॉर्मूला मिल जाएगा. और फिर उसके बाद में MN हम लोग ने निकाला है, बीटा हम लोग को मालूम है, MT का वैल्यू ईजिली मिल जाएगा कैलसी के थ्रू. उसके बाद में फेस विड्थ बी ये 15. ओके. ये कॉन्स्टेंट 15. MN का वैल्यू हम लोग ने निकाला ऊपर से. सो वो हम लोग जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को बी मिल जाएगा MM एंड सेंटीमीटर. बी का रेफरेंस भी है 8.14. उसके बाद में पिच सर्कल डायमीटर, दैट इज D1. सो हम लोग D1 निकालते हैं. D1 इज इक्वल टू MT इंटू Z1. सो याद रखना यहाँ पे MT दिया है, MN नहीं है. सो MT का वैल्यू यहाँ से जो भी मिलेगा वो हम लोग को यहाँ पे पुट करना है. Z1 हम लोग ने निकाला है. सो D1 मिल जाएगा पिच सर्कल डायमीटर. उसके बाद में A सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दैट इज A. रेफरेंस है PSG 8.22. ठीक है. सो A इज MT इंटू Z1 प्लस Z2 अपॉन 2. सो MT हम लोगों के पास है, Z1 भी है, Z2 भी है. सो उससे हम लोग को A मिल जाएगा. फर्दर एक डाउट आ सकता है कि हम लोग ने यहाँ पे 15 क्यों लिया है, मतलब स्पर गियर में हम लोग ने 10 लिया था. सो स्पर गियर हम लोग को 10 लेना है और हेलिकल गियर में 15 लेना है, याद रखना. दैट विल बी अ ट्रिकी पार्ट. गलती से 10 और 15 का मिस्टेक मत कर देना. सो स्टेप सिक्स चेकिंग फॉर बकिंगम्स डायनेमिक लोड. ओके. सो फॉर्मूला हम लोग को रेफरेंस है इसके लिए 8.51. ओके. सो बीम स्ट्रेंथ ऑफ द पिनियन FS निकालना हम लोग को. सिग्मा B1 BMN YB1 ये सब हम लोग को मिला है, खाली टर्म डालने कैलसी में और FS मिल जाएगा. बाद में टेंजेंशियल लोड FT. FT इज 2 इंटू MT D1. ये सब वैल्यू है हम लोग के पास. इसका रेफरेंस है फॉर्मूला का 8.57. सो बकिंगहम डायनेमिक्स लोड का जो मेन फॉर्मूला है वो जो कि है जो कि है FD इज इक्वल टू MT प्लस 0.164 VM CB cos square beta प्लस FT cos beta जो कि है. ओके. सो ये हम लोग को PSG 7.15 से हम लोग को पूरा रेफरेंस मिल जाएगा फॉर्मूला का. 7.57 से हम लोग को मिल जाएगा. ओके. सो एक ट्रिक है एक्चुअली, ये जो टर्म है ना जो रेफरेंस है PSG का वो 8.51 से. ठीक है. सो ये 8.51 में हम लोग का फॉर्मूला मिल जाएगा बकिंगहम डायनेमिक लोड का. सो एक ट्रिक है, ये टर्म बहुत बड़ा होता है कैल्सियम में, तो शायद कैल्सियम में डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता. सो ये जो ब्रैकेट का टर्म है ये आप अलग से सॉल्व कर लेना पहले, उसके बाद में फिर FD के फॉर्मूला में डाल देना. सो वो एक ही बार में हो जाएगा कैल्सियम में. सो ये टर्म हम लोग ने निकाल लिया, ये रूट में है ध्यान देना. उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो टर्म हम लोग को अननोन है सब में वो है VM. ओके. सो VM का फॉर्मूला है पाई D1N1. सो हाँ ध्यान देना कि D1 शुड बी इन MM. ओके. D1 हम लोग का MM में रहेगा. सो हम लोग को उसको 10^-3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो, क्योंकि VM इज लाइक मीटर पर मिनट. हम लोग का जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो मीटर पर मिनट में है. सो D1 को कन्वर्ट कर लेना मीटर में. सो पाई इंटू D1 इंटू N1. N1 है हम लोग के पास. सो वहाँ से हम लोग को VM मिल जाएगा. और C राइट, B तो निकला है. C का फॉर्मूला है C इज 11860E. ठीक है. सो वो हम लोग को PSG 8.53 से मिल जाएगा टेबल नंबर 41. ये फॉर्मूला टेबल नंबर 42 में है. और उसके बाद में E का जो वैल्यू है हम लोग को टेबल 42 से मिल जाएगा.
उसके बाद में सी। सो हम लोगों पुट करने वाले हमने ई का वैल्यू पुट करने वाले हम लोगों को सी मिल जाएगा जो कि है न्यूटन पर एमएम। ओके इट इज सेम एज केजीएफ कन्वर्जन। सो ये वैल्यू जब हम लोग को सी और बी के वैल्यू जो मिल जाएंगे हम लोग को सी का वैल्यू और कौन सा वी एम का वैल्यू जब हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग जब पुट करेंगे तो हम लोग को एफ डी मिल जाएगा जो कि होगा के जी एफ में। सो हम लोग को चेक करना है कि एफ एस शुड बी ग्रेटर देन एफ डी। सो हम लोग का डिजाइन सेफ हो जाएगा। सो अगला स्टेप है स्टेप सेवन जो कि है वियर लोड का। सो दैट इज रेफरेंस है 8.51 पी एस सी का। ध्यान देना कि मोस्ट ऑफ द टाइम वियर लोड में फेल ही होता फेल होता ही है हम लोग का। सो हम लोग को रिकैलकुलेट करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो वियर लोड का कंडीशन है एफ डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन एफ डी। वियर लोड का फॉर्मूला है डी वन क्यू के बी अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। सो यहाँ पे डी वन मालूम है, बी मालूम है, बीटा मालूम है, जो दो अननोन है वो क्यू है और के है। सो क्यू का फॉर्मूला हम लोग को क्यू का फॉर्मूला है 2i अपॉन i प्लस माइनस वन एंड प्लस फॉर एक्सटर्नल मेशिंग i फॉर इंटरनल मेशिंग। सो अगर क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है प्रॉपरली कि एक्सटर्नल मेशिंग है या इंटरनल मेशिंग है तो उसके हिसाब से प्लस माइनस लेना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल मेशिंग हम लोग कंसिडर करते हैं अगर कुछ ना दिया हो तो। सो प्लस सो आज हम लोग को क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद में k k इज इक्वल टू सिग्मा सी स्क्वायर साइन अल्फा 1/e1 +1/e2 /1.4। सो ये सब फॉर्मूला का रेफरेंस है पी एस जी 8.51 पे। ओके सो के का वैल्यू हम लोग को अब e का जो वैल्यू है वेर e1 एंड e2 इज इक्वल टू 2.15 × 10⁶ ये कांस्टेंट है जो कि हम लोग को मिल जाएगा पी एस जी 8.15 से। सो ये वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे हम लोग को अल्फा का वैल्यू है सिग्मा सी का वैल्यू है जब हम लोग पुट करेंगे सो हम लोग को के का वैल्यू मिल जाएगा जो कि इसका यूनिट है केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जब क्यू और के का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे एफ डब्ल्यू में। ओके सो हम लोग को एफ डब्ल्यू का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद में आज हम लोग को मालूम है एफ डी हम लोग ने निकाला पहले, एफ डब्ल्यू हम लोग ने निकाला अभी वेयर लोड। सो हम लोग को कंपेयर करना है एफ डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन एफ डी। अगर ये केस नहीं होता तो हमारा डिज़ाइन फेल होता है। सो अगर हम लोग का डिज़ाइन फेल हो रहा है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग कंसिडर करते हैं कि एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। सो हम लोग एफ डी के हेल्प से हम लोग वापस एफ डब्ल्यू कैलकुलेट करते हैं। एफ डब्ल्यू का मीन हम लोग कैलकुलेट करते हैं के। ओके सो क्यू सेम रहेगा, बी सेम, डी वन सेम, हम लोग ये कंसिडर कंडीशन यूज करते हैं एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। सो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि के का वैल्यू निकालते हैं। के का फॉर्मूला था जो कि ये वाला। सो ओके है यहाँ पर के, के का फॉर्मूला इज सिग्मा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1/e1 +1/e2। सो ये तो कांस्टेंट है, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया। तो हम लोग को जो वेरिएबल होता है वो सिग्मा सी होता है, तो जो सिग्मा सी है वो हम लोग आगे के लिए रहते हैं। के हेल्प से हम लोग सिग्मा सी निकालते हैं। सो सिग्मा सी के फॉर्मूला, सिग्मा सी के फॉर्मूला था सी बी इंटू एच बी इंटू के सी एल, राइट। सो वहाँ पे हम लोग ये ऊपर वाला यूज़ करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। सो एच बी मिलेगा हम लोग को, एच बी दैट इज़ द हार्डनेस। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एज हम लोग का डिज़ाइन फेल हो रहा है। सो हम लोग सो वहाँ पे एक लाइन लिखना है टू मेक अ डिज़ाइन वर्क वी आर इंक्रीजिंग द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बाय विद द हेल्प ऑफ कार्बनाइजिंग प्रोसेस। ओके जब हम लोग को एच बी मिल जाएगा उसके बाद हम लोग ये लाइन लिखते हैं तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का डिज़ाइन सेफ हो जाएगा। ओके क्योंकि हम लोग का डिज़ाइन तो पहले ही हो चुका है, राइट। डिज़ाइन तो हम लोग ने कर लिया अभी तक। सो हम लोग पूरा स्टेप तो वापस रिपीट करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे कि हम लोग एच बी इंक्रीज कर रहे हैं, हार्डनेस इंक्रीज कर रहे हैं मटेरियल का कार्बनाइजिंग प्रोसेस यूज़ करके। सो आफ्टर द प्रोडक्ट इज़ मेड, राइट। उसके बाद में स्टेप एट। सो स्टेप एट इज चेकिंग फॉर द कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस सिग्मा सी। ओके सो ये फॉर्मूला हम लोग को पी एच जी 8.13 में दिया हुआ है फॉर्मूला। एम टी मालूम है, ई मालूम है, बी मालूम है,
ये भी मालूम है, सब कुछ हम लोग को नून है, खाली हम लोग को वैल्यू पुट करना है सिग्मा सी के फॉर्मूला में। सो जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे हम लोग देखना है कि कंसीडर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कि सिग्मा सी इज शुड बी लेस देन सिग्मा सी जो हम लोग के पास है। ओके सो यहाँ पे हम लोग का न्यू डिज़ाइन इज सेफ हो जाता है इस स्टेप पे। उसके बाद में जो 9th स्टेप है वहाँ पे हम लोग PSG अगर आप खोलेंगे 8.22 में एक टेबल दिया गया है जहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि गियर डिज़ाइन से रिलेटेड है। सो वो जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो हम लोग को 8.22 में देखना है टेबल्स में वहाँ पे, और यहाँ पे लिस्ट करना है 1, 2, 3 लाइक कोई भी करना है टिल 8 वाला। सो इट कैन बी मॉड्यूल और PCD और एनीथिंग। ओके सो हम लोग को वहाँ पे टेबल में देख के सब वैल्यूज एट लास्ट एक टेबल बनाना है उसमें लिखना है, और यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल एंड होता है। ओके दिस वाज द वीडियो फॉर हेलिकल गियर ऑन MD2। अगर आपको हम लोग का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो MD2 के लिए रेफरेंस के लिए सो आप ये वीडियो उनको कंसिडर कर सकते हैं शेयर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।